अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। इसी इतवा के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो व्यूअर्स, आज जो है मैं कोई लंबी वीडियो नहीं बना रहा, उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। कल से मेरी तबीयत जो है वो सेट नहीं है। कल जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ तो वहाँ से मुझे चक्कर वगैरह आने स्टार्ट हुए हैं। एक तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह भी हो सकती है। दूसरी, आप मेरा फेस भी देख सकते हैं कि वजह से बुखार हो, अंदर बुखार खड़ा हो। सो काफ़ी ज़्यादा मैं वापसी पर बड़ी मुश्किल से आया हूँ। वापसी पर बाइक भी ख़राब हो गई थी, उसके अलावा मुझे जो है वापसी पर बड़ी मुश्किल हुई आने में, तेज़ बुखार आ गया था। फिर शाम को हमारे साथ चौक पर एक क्लिनिक है, वहाँ पर मैं गया हूँ तो उन्हें सारी सिचुएशन बताई है। जैसे उन्हें सारी सिचुएशन बताई है तो वो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक अच्छा सा इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो एक इस साइड पर और एक इस साइड पर उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, दो इंजेक्शन लगाए और कुछ 3-4 टैबलेट्स दी हैं और कहा है कि आपको अंदर बुखार है। इसके अलावा उन्होंने मैंने स्टमक का भी बताया, वो कहते हैं आपको इतना स्टमक का इशू नहीं है। दूसरी ये बात है, मुझे अब क्या हो रहा है, मुझे ये हो रहा है कि एक तो मुझे पेट में काफ़ी ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द होता हो, और वो दर्द जो है जैसे ऐसे खींचा हुआ कोई दर्द होता हो, वो दर्द होता है 2-3 मिनट बाद फिर वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो है ना मेरा जो सीना है इसके अंदर आग है, जैसा कि अंदर अंदर से बुखार खड़ा हो। सो मुझे आज सुबह मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ तो रात की बात कर रहा हूँ, रात जब मैं इंजेक्शन लगवा कर आया हूँ, 2 इंजेक्शन लगवा के आया हूँ तो रात को मुझे पसीना आ गया था। सुबह तबीयत कुछ बेहतर थी लेकिन फिर दोबारा बुखार आ गया है और यूनिवर्सिटी में बुखार रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आई, चीज़ें टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके अलावा अब जब आया हूँ तो अब भी मुझे सामने फेस दिखाई दे रहा होगा आपको कि तेज़ बुखार है। सो आपसे यही दरख्वास्त है, आज अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास दोबारा और टैबलेट्स भी कुछ लेता हूँ। सो आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेहत याब कर दे। सो ये बुखार तो ऐसे आते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थकावट है और मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं रात को, तो उसकी वजह से भी बुखार आते हैं। ये पीछे इलाका देखे तो ये सारा टीले हैं और यहाँ पर मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। सो प्लीज़ आपने मेरे लिए दुआ करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।